ताज़ा ताज़ा मुंह धो के निकला हूँ क्योंकि फोन आ गया मिस्टर सुखविंदर सिंह एंड मिस्टर सौरभ दीवान का कि आज जाना चाइनीज खाने के लिए कलिनर जो कि हमारी फेवरेट जगह है और बड़े एक इंपॉर्टेंट काम से बुलाया उन्होंने, कुछ बात जरूरी डिस्कस करनी है, आप लोगों को भी उसमें शामिल करते हैं डिस्कशन में। आज की जरा वीडियो की शुरुआत करी जाए। हाँ जी सर, क्या हाल है? बस ठीक ठाक। ये पट्टी का आपका रंग कुछ बदला बदला लग रहा है। ये नीचे प्लास्टर गंदा हो गया था, अच्छा लगता है यार। अच्छा, तो ऊपर क्रैप बैंडेज चढ़ाई है? आई एम बैक। अरे वाह, आई एम बैक। चीज में एक डिसेंसी होनी चाहिए, क्लीनलीनेस। अच्छा, उसके ऊपर बैंडेज बांधती है। ठीक है, बैठो बैठो। कई लोग तो ये कमेंट कर रहे हैं कि ये सारा ड्रामा ही स्क्रिप्टेड था। अरे नहीं यार, ये बात तो नहीं है। ये सरदार जी का हाथ भी, इसका मतलब हमने स्क्रिप्टेड ही तोड़ा है। गोवा कभी जाने का विचार ही नहीं था। लोगों को लग रहा है तो चलना ही पड़ेगा। है? चलना पड़ेगा फिर, अगर ये बात है देन वी मस्ट गो, द शो मस्ट बिगन। ओ क्या बात है, शो मस्ट बिगन, यानी कि दो चार कंट्रोवर्सी वाले कमेंट ने आपको तीली लगा दी है। हम कब से तीली लगाने की कोशिश कर रहे हैं तो नहीं लग रही थी। व्यूअर्स के लिए कुछ भी। कोई कलेश भारी है, कोई रोड ट्रिप बनाएंगे। रोड ट्रिप बनाएंगे, गोवा अभी कैंसल। गोवा रहने दे, अभी नहीं, अभी गोवा के नो टॉपिक। वो नेक्स्ट ईयर जब मैं आऊंगा तो उसके लिए एक स्पेशल प्लान है। ठीक है, ठीक है ना, आपको पता है ना, डिस्कस होगी ना बात। बट ये है कि अभी फिलहाल तो पारस भी कह रही है कि भैया, जो भैया ने कमिटमेंट करी थी लास्ट वीडियो में कि आप उनको लेके जाओगे घुमाओगे, वो पक्का है आपका? बिल्कुल बिल्कुल, 100% पक्का। तेरी गाड़ी में चलते, तेरी में चलते, खुले खुले बैठेंगे। जाने? हाँ जी मिस्टर सिंह, किधर लेके जा रहे हो फिर? मैंने तो भाई आपको बोल रहा दिल्ली नहीं जा रहा ना मैं। कलिनर, दिल्ली वाले कलिनर थोड़ी जाना है, अब तो फरीदाबाद में भी खुल गया। क्या तेरे को दिल्ली जाना है? मेरे को दिल्ली जाना था भाई। तो गाड़ी ले और चले जा फिर। भाई नहीं जा सकता दिल्ली, मेरे को आधे पौने घंटे में पहुंचना है। क्यों, कहाँ पहुंचना है तूने? आधे पौने घंटे में नहीं, स्पेशल अपॉइंटमेंट है इसकी, मैं बता रहा हूँ तेरे को। इसको बोलते हैं रोस्ट करना सिखा आपको। तो जी बाहर से घूमने, मगर फिर विचार ये बन गया कि ये कहते हैं शाम का टाइम हो गया, 8 PM हो गया, थोड़ी सी हल्की फुल्की ड्रिंक चलेगी। तो इसलिए मैंने कहा भाई फिर ड्रिंक करनी है, गाड़ी में नहीं करनी ड्रिंकिंग। yes. इसीलिए घर बैठ के कर लो जो करना, तो हम फिर दीवान साहब के यहीं वापस आ गए, खाना यहीं ऑर्डर करेंगे। हाँ दादी, क्वालिटी तो ठीक है मगर क्वांटिटी चलेगी? क्लास अपार्ट जस्ट लाइक मी, मंगा ऑर्डर कर, कम ऑन। पैसे आप दे रहे हो? मुझे क्या पता तू मेन्यू में सबसे महंगी आइटम उठा लेगा। यार तेरे को पता यार भाई का टेस्ट अच्छा है। और मैंने मैंने ये नहीं कहा पैसे बदलूंगा, मैंने कहा तो जो लेगा मैं मंगा दूंगा। एक बड़ी इंटरेस्टिंग बात है, किसी का इंस्टाग्राम में मैसेज आता है। अच्छा, कि आप अपना कभी वॉलेट भूल जाते हो घर पे? सबसे ज्यादा खर्चा करते हैं सुखी पाजी। ये दीवान साहब आ गया सामान। ओहो क्या बात है, थाई करी, ये तो कलिनर का सामान लग रहा है। कलिनर से अलग मंगाया, एक रेस्टोरेंट और है, वो कौन सा है? वो मोमोज वाला जुजुबी मोमोज से अलग मंगवाया और इनके मिस्टर ओहाशी से अलग मंगाया। ये हमारा मेन कोर्स पहले आ गया यानी। ओके ओके। लो सर, स्पेशल प्रॉन्स वाले मोमोज। इन भाई साहब ने दोनों ने मेरी गाड़ी देख ली। अच्छा ठीक है, ठीक है। अच्छा चलिए, बहुत बढ़िया, लिखा हुआ था जी मिलना, मिल गया। चलिए नॉट प्रॉब्लम एट ऑल, चलिए एंजॉय।
फाइनली वापस आना हो गया जी, और सब्सक्राइबर मिल जाते हैं। जैसे मैं गाड़ी पे जा रहा था तो उन्होंने साइड में नोटिस कर लिया एंड दे रिक्वेस्टेड कि फोटो वगैरह खिंचवा ले साथ में, तो रुक जाता हूँ, लोगों से बात हो जाती है। बहुत अच्छा लगता है जब लोग बोलते हैं कि आपकी वीडियोस देखते हैं, आपको फॉलो करते हैं। जब मैंने गाड़ी रोकी साइड में, क्योंकि मेन रोड पे थे तो इसलिए ज्यादा हाईवे पे रोक नहीं सकता था, तो उसी टाइम जो है उन्होंने सबसे पहली चीज ये पूछी कि गोवा नहीं गया, तो उससे पता लग जाता है कि ये अभी उन्होंने रिसेंटली करवा रही ब्लॉग देखा है, और बड़ी खुशी होती है। एंड एज अ मैटर ऑफ फैक्ट कल भी जब मैं कल की वीडियो में जब मैं गाड़ी के साथ चल रहा था तो वो शॉर्ट रिकॉर्ड हो गया कि साथ में मेरे साथ दो भाई लोग थे स्कूटी पे, वो मिलके बात करना चाहते, तो मैंने उनको बोला कि क्योंकि मैं बिल्कुल हाईवे पे था तो मैं वहाँ पे गाड़ी रोक नहीं सकता था, तो फिर मैंने उनको बस ऐसे हाई कर दिया, वीडियो मैंने वहीं कट कर दिया, अगले शॉट पे मूव कर गया। अब लोगों के कुछ लविंग सब्सक्राइबर्स के कमेंट आए, मैं ये बोलता हूँ लोगों के, तो भी सब्सक्राइबर्स माइंड कर जाते हैं कि लोगों नहीं बोलना चाहिए, सब्सक्राइबर्स बोलो। तो सब्सक्राइबर्स के कुछ कमेंट है कि आप लोग जो सब्सक्राइबर्स को टाइम नहीं देते, बट हर चीज कैमरे के आगे नहीं आती, तो आप लोगों को परसेप्शन सिर्फ उस चीज पे नहीं बना देनी चाहिए कि 12 मिनट की जो आप देख रहे हैं वही मेरे 24 घंटे की बिहाइंड द सीन जर्नी है। तो अब क्योंकि वो उस टाइम कैमरा लगा हुआ था तो आप देख सकते हैं, तो मैंने साथ में गाड़ी भी लगाई थी, उनसे बात भी की थी, वो चीज कैमरे पे कैप्चर हो गई, तो आप देख सकते हैं कि आई मेट देम, गिव देम प्रॉपर टाइम, एंड दैट इज व्हाट आई ट्राई टू डू ईच एंड एवरी टाइम व्हाइल बीइंग एज हम्बल एज आई पॉसिबली कैन बी। क्योंकि ऑब्वियसली जब मैं जो भी अभी चल रहा है, जो भी जिंदगी की शुरुआत कर पाया हूँ, जहाँ भी पहुंचा हूँ या जहाँ भी आगे जाने के प्लान है, दे आर ऑल एब्सोल्युटली टोटली डिपेंडेंट ऑन यू गाइस। तो ऐसा नहीं है कि कुछ लोगों को ये लगे कि ये बंदा जो है अकड़ इसके अंदर ज्यादा आ गई है, सब्सक्राइबर को टाइम देता मिलता नहीं है। मैं एक्चुअली जब मिलता हूँ तो ये भी रिक्वेस्ट करता हूँ कि सबने मास्क लगाए हों, या फिर मास्क ना भी हों तो एटलीस्ट डिस्टेंस पूरा प्रॉपर हो, ताकि सबकी सेफ्टी का भी ध्यान रहे, वो भी चीज़ को भी ध्यान देना होता है। टाइम आ गया जी एक और कोविड टेस्ट कराने का, क्योंकि मुंबई जाना है, मुंबई बोल रहा हूँ क्योंकि कहने पिछली वीडियो में बॉम्बे बोल दिया था एक दो बार। असल में मैं जब मुंबई गया हूँ तो मैं बहुत छोटा था, फिफ्थ क्लास में था, तब बॉम्बे बोलते थे, तब से हमारे मुंह पे चढ़ा हुआ है बॉम्बे बॉम्बे, क्योंकि गुड़िया दीदी और निखिल तब बॉम्बे में ही होते थे, तो वो बॉम्बे से आते थे, मुंबई में होते थे, तो तब हम बोलते थे वो बॉम्बे से आ रहे हैं, तो हमारे जो पूरी फैमिली के सब कॉन्शियस माइंड में बॉम्बे ही फीड है, तो इसीलिए अब जो है क्योंकि जाने, और तो काफी टाइम भी हो गया नाम चेंज हो गए, तो अब मैं अपनी हैबिट फटाफट चेंज करता हूँ कि मुंह से जो है मुंबई ही निकले, ताकि हमारे जो मुंबई कर भाई लोग हैं वो ऑफेंड ना हो जाए किसी भी वजह से, इवन इनडायरेक्टली, क्योंकि कई बार इंटेंशन नहीं होती बट बंदे के मुंह से निकल जाता है। आगे भाई सब टेस्ट कराने के लिए, तो अगर किसी को बुरा लगा हो तो माफी। ये आप SRL डायग्नोस्टिक से आते हैं? SRL से? SRL सेक्टर 49। अच्छा, और अब ये प्राइसेस कम हो गए हैं ना इसके कोविड के? हाँ जी, हाँ जी। कितने? 800। 800 के करीब? हाँ जी। पेटीएम चलेगा? जी। ठीक है, पेटीएम कर देता हूँ। और सब बढ़िया? ठीक है। तो ये छोटा मोटा सा मैंने कहा ब्लॉग बना लेता हूँ, क्योंकि ज़्यादा अभी फिलहाल करने के लिए कुछ है नहीं। आज मैंने इंडोर वाले बहुत काम निपटाए हैं, जैसे कि वर्चुअल ऑफिस से रिलेटेड कनाडा में, क्योंकि मम्मी के कॉन्स्टेंटली फ़ोन आ रहे हैं, उनको टेंशन ही हो रही है कि गवर्नमेंट जो कनेडियन है वो बड़ी जल्दी कुछ ऐसे रूल लाने वाली है जिसके अंदर की जो क्वारंटीन की जो स्ट्रिक्टनेस है ट्रैवल की वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, और अगर मैं वहाँ जाऊँ तो वो कुछ टाइम में ऐसी रूलिंग आने वाली है कि मेरे को स्टेट क्वारंटीन करना पड़ेगा किसी होटल में अपने खर्चे, और मैं 15 दिन तक अगर होटल के कमरे में बंद हो गया तो काफ़ी प्रॉब्लम आ सकती है, तो उससे रिलेटेड थोड़े से कंसर्न है, क्योंकि थोड़े टाइम के लिए जाके वापस आना है, और कई बार हर बार चीज़ें जो है ना प्लान के हिसाब से नहीं चल पाती, जैसे कि कनाडा में मेरे को थोड़ा सा भी और एक्सटेंसिव काम करना था, बट इंडिया अपने कुछ पर्सनल मैटर्स और बिजनेस मैटर से रिलेटेड जो है काम उसके लिए अर्जेंट आना पड़ गया, बट अभी यहाँ आके अब मैंने थोड़े टाइम के लिए जाना है कनाडा, ताकि जो ज़िंदगी में प्रोफेशनल लाइफ में और पर्सनल लाइफ में जो बड़े चेंजेस आने वाले हैं वो सारे उनसे रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं वो एग्जीक्यूट कर लूँ, और उसके बाद फिर 1.5 महीने बाद
हुई तकरीबन मेरे ख्याल से मार्च मिड के आसपास। फिर मैं मम्मी को लेके इंडिया आऊँगा क्योंकि अब यहाँ पे सिचुएशन थोड़ी सी ठीक होती नज़र आ रही है, वो भी आ जाए, बहुत टाइम से जो है ना तड़प रही है इंडिया आने के लिए, ताकि हम एक्सटेंसिवली इंडिया की शूटिंग कर सकें कुछ नए सरप्राइजेस के साथ। सो दैट इज़ ऑल लाइंड अप, और बिजनेस भी वहाँ पे सेटअप वगैरह करना तो है ही जाके, मगर अभी फ़िलहाल जो है मुंबई जाने का प्लान बना लिया जैसे तैसे करके। अब कल कोविड टेस्ट हो गया आज, क्योंकि अब मैं जा रहा हूँ, वैसे तो मैं फरीदाबाद हरियाणा में हूँ, बट जाना दिल्ली एयरपोर्ट से, और दिल्ली की रूलिंग है कि जो भी दिल्ली से आएगा उसका कोविड टेस्ट ज़रूरी है, तो वैसे तो एयरपोर्ट पे भी हो जाता है बट वहाँ ज़्यादा देर वेट ना करनी पड़े तो मैंने यहाँ पे पहले ही करवा लिया है कोविड टेस्ट करा के। बस अब मुंबई जाने की बारी है, थोड़ा सा टाइम वहाँ पे स्पेंड करने के बाद फिर ब्रीफली कनाडा जाके कई नई चीज़ों की शुरुआत करनी, फिर वापस आ जाना, अभी ऐसे ही है। और अब आपको ये लगता होगा कि कभी वीडियो इंटरेस्टिंग बनती है कभी नहीं बनती, बट वो उसका सीधा सा जवाब ये है कि क्या आपकी लाइफ 365 दिन साल में इंटरेस्टिंग रहती है या आप कुछ इंटरेस्टिंग कर रहे होते हैं? नहीं, हर किसी की तो नहीं हो सकती हर टाइम, तो इसीलिए कई दिन अपनी लाइफ में इंटरेस्टिंग जाते हैं, तो उस दिन वीडियो इंटरेस्टिंग बन जाती है, कई अपने दिन ही डल होते हैं तो इसलिए उस दिन थोड़ी सी डल बन जाती है। तो आई होप आप ये समझेंगे कि क्योंकि ये डेली व्लॉगिंग है, यू कांट बी डूइंग एवरीथिंग ऑल द टाइम विच इज़ एक्साइटिंग, तो वो नहीं हो पाता कई बार, बट वीडियो ये वाली जैसे तैसे पसंद आ गई हो थोड़ी बहुत तो लाइक एंड शेयर कर दीजिएगा, थोड़ी मोटिवेशन सपोर्ट उन दिनों में ज़्यादा काम आती है जिन दिन में पता हो कि आज अपना काम थोड़ा सा ढीला हुआ है, क्योंकि अभी मैं थोड़ा सा ना पूरी एनर्जी गेन कर ली है लग्जरी सीरीज मुंबई जाके, थोड़ा सा एक दो एपिसोड शूट करने हैं, थोड़ा करना, दोबारा से फिर से एनर्जी लेके आऊँगा व्लॉग्स के अंदर, पूरी तरह तैयार हूँ, फ्रेश हो गया, ब्रेक हो गई, बट जो भी है खैर। और चैनल के सपोर्ट के लिए यार वो सब्सक्राइब बटन एंड बेल आइकॉन, थैंक यू सो वेरी मच फॉर वॉचिंग।